नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। बच्चे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं बच्चे? बीमारी से, गरीबी से, भूख से, कुपोषण से। जी हां, शायद इन सब से। गरीबी भूख और कुपोषण पैदा करती है और कुपोषित शरीर, कमजोर शरीर पर तुरंत कोई भी बीमारी हमला कर देती है और जान ले लेती है। ऐसी एक बीमारी है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम और इंसेफ्लाइटिस, जिसे दिमागी बुखार, जापानी बुखार और चमकी बुखार कहा जा रहा है। यूपी और बिहार में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हर साल इससे बच्चे मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं। ये रोग क्या है, क्यों है, कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या रोकथाम हो सकती है, इन सब बातों पर हम आज बात करने आए हैं जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना प्रसाद जी से। वंदना जी, आपका स्वागत है। ये एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसे अब चमकी बुखार कहा जा रहा है बिहार में, ये रोग क्या है, क्यों है और कैसे फैलता है, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। तो ये एक बीमारियों का समूह है जो काफ़ी अरसे से, मतलब साल दर साल बच्चों की जान लेते आ रहा है, ख़ास तौर से यूपी और बिहार के इलाकों में। बिहार में जो नेपाल से जुड़ते हुए जो ज़िले हैं वहाँ से ज़्यादातर, और यूपी में गोरखपुर का नाम तो सबने सुना ही होगा। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ये कोई एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का समूह है। और जो अभी जो हाल में सिंड्रोम कहा गया जी, और अभी जो हाल में जो मौतें हुई हैं उसको तो बल्कि नई नए जो शोध हैं और जो नई जो तकनीकी समझदारी इस पे बनती जा रही है उसके हिसाब से एनकेफेलाइटिस भी नहीं है, एनकेफेलोपैथी है। तो मतलब कहने का मतलब है, जैसे जैसे हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पा रहे हैं, जैसे शोध और बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शोध है ये, क्योंकि इसमें बहुत ही एडवांस्ड हमको वायरल टेक्नोलॉजीज चाहिए इत्यादि इत्यादि, जो नाप तोल हमको खून में और शरीर के अंगों में चाहिए रहता है, ये किसी आम लेबॉरेटरी में हमको हासिल भी नहीं होता है। तो काफ़ी समय लगा इसको समझने में। तो एक जो सबसे नई जो एक समझदारी इसमें जुड़ रही है कि पहले हम लोग समझते थे जापानीज़ बी इनकेफेलाइटिस, और इसी एक नाम से हम लोग इन मौतों को जोड़ते चलते थे। उसके बाद ऐसा समझ में आया कि इसके अलावा भी कई वायरसेस, एंटेरोवायरसेस खास तौर से इस इनकेफेलाइटिस से जुड़े हुए हैं, और जिनका प्रोफाइल, मतलब जिनका चलन अलग भी हो सकता है जापानीज़ बी इनकेफेलाइटिस से। अब समझ में आ रहा है कि इसके साथ साथ एक इनकेफेलोपैथी के नाम से भी, जिसको लीची इत्यादि से भी जोड़ के देखा जा रहा है, वो भी एक मामला इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन मौलिक चीज़ें, जैसे आपने शुरू में ही कहा, मौलिक चीज़ ये है कि ये मार किसको रहा है, ये मार उनको रहा है जो बच्चे जो गरीब और कुपोषित हैं और जिनके पास स्वास्थ्य की सेवाओं का अभाव है, और स्वास्थ्य की सेवाओं तक पहुंच का भी अभाव है, और फिर किस गुणवत्ता की सेवाएं उनको प्राप्त हो रही हैं उसमें भी अभाव है। तो अगर तकनीकी चीज़ों में मतलब जाएं तो हर एक बीमारी का अलग उपचार भी है, अलग उसका रोकथाम भी है, लेकिन जो मौलिक समानता है इन सब चीज़ों में वो ये हैं कि सामुदायिक स्तर पर जो गरीबी, पोषण, खाद्य सुरक्षा, आंगनवाड़ी का चलन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चलन, जो पानी और पानी की सेवाएं उपलब्धता, गुणवत्ता पूर्वक पानी की, मतलब पीने वाले पानी की उपलब्धता, सैनिटेशन यानी कि शौचालय की सर्विसेज और नाली इत्यादि सफाई, ये सब जो एकदम मौलिक व्यवस्थाएं एक सामुदायिक स्तर पे, इनका मतलब एक अभाव, हाँ मेन कारण किसी भी बीमारी, हाँ सामुदायिक स्तर पे, और फिर स्वास्थ्य के तंत्र के स्तर पे वही सब चीज़ें कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, डॉक्टरों का ना होना, डॉक्टर का ट्रेन ना होना, डॉक्टरों के पास सामग्री की कमी, और एकदम मतलब बेसिक जानकारी की कमी। जैसे जो अभी जो मौतें हुई हैं इसमें एक मत ये है कि इनकी ये जो हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि खून में ग्लूकोज की कमी से ये मौतें, मतलब जो इमीडिएट कॉज है, जो अभी एकदम त्वरित जो कॉज है, कारण है, वो खून में ग्लूकोज की कमी हो जाने का कारण है। तो इसका नापतोल बहुत ही सरल है, जैसे डायबिटीज़ का एक फिंगर प्रिक से आप एक खून की बूंद से इसकी जाँच पड़ताल कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड लैब की आपको ज़रूरत नहीं थी, आप एकदम मतलब बेसिक चीज़ों से प्राथमिक तौर पे भी इसका मतलब डायग्नोसिस कर सकते थे, और इसका उपचार भी उतना ही सरल है
कि जो ग्लूकोज का पानी जो चढ़ाते हैं ना, जो जी आम जी कहीं भी कोई भी गांव में किसी को चढ़ा देता है, अगर आप 10% ग्लूकोज का पानी इन बच्चों को चढ़ा देते तो कम से कम इनकी जान उतनी तक तो बच जाती कि फिर आगे हम इनको उपचार संभाल दिया लेते, जी उपचार देते। तो ये इतनी बेसिक मतलब इतने बेसिक कमी से स्वास्थ्य के तंत्र के स्तर पे ये बच्चों की मौत हुई है, बहुत ही दुखद और बहुत ही दर्दनाक मतलब स्थितियाँ हम हैं। ये समझें कि ये एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम जिसे चमकी बुखार कहा जा रहा है, मतलब इसके ये अब हमें पता चल गया और इसके जो हमें बेसिक ये समझ में आया शुरू में जो आपने बताया कि ग्लूकोज की कमी सब तो में नहीं, मतलब पर जापानीज भी हाँ इनकेफेलाइटिस में कुछ और और भी चीज़ों से चीजें मौतें पर होती हैं, वो एक ग्लूकोज की कमी से जी नहीं जी होता, लेकिन अभी की जो मौतें हैं इसका जी एक कारण ये ये जो बताया जा रहा है ना। मौतें बिहार में हो रही जी हैं हाँ, इस जो समय, अभी इसका जो एक 100 बड़ा मौतें कारण हुई हैं, 104 ये है मौतें हुई कि हैं। अगर हम समय पर उन्हें ग्लूकोज का एक ट्रीटमेंट ऐसा दे एक दे मत है, एक क्योंकि मत है बहुत संपूर्ण जानकारी किसी के पास भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक मत है कि ये ग्लूकोज की कमी से जो इमीडिएट कॉज है, अभी के अभी जो कॉज है, लेकिन जी उसके पीछे का जो कॉजेज हैं, कारण है, वो यही है, गरीबी, कुपोषण, विशेष कारण। जी तो कुपोषण तो बीमारी का घर खुद हो जाता है, जी क्योंकि अब हम इसे देख रहे हैं कि इसके फिर लक्षण क्या क्या है। वैसे हम कैसे पहचाने कि इसे इंसेफ्लाइटिस हुआ है, इसे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है या कुछ और है, ये इसके कोई लक्षण जो इमिडिएट आप देख रही हो इस जी बीमारी के तो ताल्लुक देखिए, दो चीज़ें, एक तो है कुपोषण। जी अब कुपोषण के लिए आंगनवाड़ी का पूरा तंत्र है, जी इसको मतलब इसको इसका सार्वभौमिकरण होना था, जी ये मतलब इट्स यूनिवर्सल स्कीम है, और ये हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत इसको लागू होना है। उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी कि बच्चों का नाप तोल ये अनिवार्य है। तो बच्चे अगर कुपोषित हैं, इस तरीके से कुपोषित हैं जिस तरीके से इस इलाके में पाए गए हैं, तो वो तो हमें बहुत पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस इलाके में कुपोषित बच्चे हैं, और उसके लिए मतलब एक पूरा कार्यक्रम, हस्तक्षेप सामुदायिक स्तर पे हो जाना चाहिए था। अब वो बच्चे केवल इसी से नहीं मर रहे हैं, वो बच्चे डायरिया और डिहाइड्रेशन से भी मर रहे हैं, वो जी बच्चे निमोनिया बेशक से भी मर रहे बहुत हैं, सारी बीमारियां बहुत हैं, सारी बीमारियों से मर रहे हैं, जैसा आपने भी कहा, वो मीजल से भी मर रहे हैं पर और ये इससे सब भी मर ऐसी रहे हैं। बीमारी नहीं है जिनसे मौत हो जाए। इन पे अगर समय पे आपको इलाज मिल जाए, सही इलाज मिल जाए, तो हाँ आप बच सकते हैं। हाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे किसी बच्चे का जी मतलब मौत होना चाहिए जी था। जापानीज भी इनकेफेलाइटिस में फिर भी केस फेटेलिटी रेट थोड़ा अधिक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम समझ रहे हैं कि ये मतलब मुख्यतः ये जापानीज भी इनकेफेलाइटिस नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे तो इन मौतों को का बचाव और भी सरल हो जाता था। फिर टीकाकरण की बात है, जैसे जापानीज भी इनकेफेलाइटिस के लिए हमारे पास टीके मौजूद हैं, वो टीके लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तो कुपोषण को सुधारना, पानी का स्रोत जो है उनको ठीक करना, क्योंकि जैसे जापानीज में इनकेफेलाइटिस की बात ली जाए जो गोरखपुर में हावी रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर आप शैलो ट्यूबवेल या हैंडपम्प से पानी अगर लोग पी रहे हैं तो उसमें उनका रिस्क जो है वो बढ़ता है। और जब लेकिन पानी का कोई अगर दूसरा कोई हमारे पास स्रोत हम बना के दिया नहीं है, तो पर इंसान क्या करेगा, वो तो उसी पानी को पिएगा जो उसके पास उपलब्ध है। तो पानी की उपलब्धता मतलब दीज आर बेसिक, जो हमारी न्यूनतम एक इंसानी मतलब जीवन की जो आवश्यकताएं हैं बुनियादी उसी की जरूरत है बुनियादी जी जरूरतें, उनकी पूर्ति हम नहीं कर पाए हैं, और अभी भी हम वो तेज़ी और वो फोकस हम नहीं दिखा रहे हैं। तो उपचार में इन सब चीज़ों का एक बड़ा रोल है रोल है, भूमिका है, तो इम्यूनाइजेशन की भूमिका है, पोषण और कुपोषण की हस्तक्षेप के लिए हस्तक्षेप की ज़रूरत है, समुदाय से एक लंबी बातचीत चलाने की ज़रूरत है, जिसमें हम जिस तरीके से हम एक दूसरे को अभी कुछ जानकारियाँ दे रहे जी हैं, जी वैसे एक सरल और एक आदरपूर्वक तरीके से और एक निरंतरता के साथ मतलब समुदाय के साथ एक संबंध बनाना, एक रिश्ता बनाना, जिससे कि वो बातों को समझ सकें, उन पर अमल कर सकें, और मतलब साझा तरीके से उसके सॉल्यूशंस भी निकाल सकें। ये जी पर्याप्त नहीं होता कि हम जाके बता दें कि भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो, वो लोग अपनी किसी मजबूरी के तहत ही ऐसा जी कर रहे जी हैं। अगर बिल्कुल। बच्चे कच्ची लीची खा रहे हैं तो इसलिए कच्ची लीची तो खा रहे हैं लीची क्योंकि पास जहाँ कोई बात आई आपने दोहराया अभी और कुछ जगह मीडिया में ये रिपोर्ट भी आई, लीची लीची का क्या रोल है, जरा इस बारे में थोड़ा सा बताइए। तो इसका एक रोल हो सकता है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो विशेषज्ञों ने कही है कि पहली बात तो ये है कि यदि मतलब मेरा बच्चा अगर कच्ची लीची खा जाए तो वो उसे मरने वाला नहीं है, ये गरीब और कुपोषित बच्चों पे ही असर कर रहा है। अगर लीची का कोई भूमिका है भी, तो वो उन बच्चों पे अपना असर कर पा रही है जो बच्चे जिनको मतलब साधारण खाना जी वही नसीब उपलब्ध नहीं नहीं होता है, जी जी नसीब नहीं है, तो वो पहले ही कुपोषित हैं क्योंकि उनके पास एक लंबे अरसे से खाने की उपलब्धता नहीं है, जो हम जान रहे हैं कि हमारे देश में ये मतलब एक जी भारी बताया एक जा रहा है कि समस्या है। मुजफ्फरपुर और उसके आसपास इलाकों में यही समय मार्च अप्रैल मई जून
ये लीची तोड़ने का समय होता है और सुबह 4 बजे लीची तोड़ने जाता है परिवार, मजदूर परिवार अपने बच्चों को साथ लेके, और वो खाली पेट शायद वो लीची खुद भी खा लेते हैं और बच्चे को भी खिला देते हैं। तो खाली पेट लीची किस तरह जहर बन रही है ये जरा सा बताइए। ये एक केमिकल चीज़ है जिसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाना चाहती, उसका एक असर होता है जिससे कि कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी में और कुछ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज का ही मामला है, उस पर ग्लूकोज का ही मामला है, इसलिए ग्लूकोज घट जाता है। और ग्लूकोज घटने से तो किसी की भी मौत हो जाएगी, लेकिन ग्लूकोज को बढ़ाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं जैसे मैंने कहा। तो और जब हम जान ही रहे हैं, अगर हम सोच ही रहे हैं कि भाई यही चीज़ चल रही है तो हमको सतर्क होना चाहिए था, हमको इसका डायग्नोसिस भी जगह जगह पहुंचा देना चाहिए था और उसका उपचार भी जगह जगह सिखा देना चाहिए था कि 10% ग्लूकोज आप दीजिए, बच्चों को ठीक हो जाएंगे और फिर उसका इलाज आप करते रहिएगा। ये तो एक चीज़, और दूसरा क्योंकि ये साल दर साल हो रहा है जी, कोई नई बात नहीं है, अचानक से नहीं हुआ है, तो इसकी संपूर्ण तैयारी मतलब जिला प्रशासन और तैयारी तैयारी होनी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को हाँ होनी चाहिए थी, भले ही गरीब के स्तर पर नहीं हुई। आप ये बहुत मुश्किल नहीं है कि आप समुदाय के स्तर पे कम्युनिटी किचन चलाएं और उन परिवारों और बच्चों को खाना पका के खिलाइए, दीजिए, उनको उपलब्ध कराइए और साथ साथ ये चर्चा चलाइए कि भाई कच्ची लीची से क्या हानि हो सकती है। एक तो ग्लूकोज वाला मामला हुआ, लीची ग्लूकोज ही तो अलग हुआ, उसके अलावा आपने जैसे मुझे बताया पानी, अच्छा पानी, अच्छा खाना तो पानी की उपलब्धता भी नहीं हो पा रही हमारे। तो देखिए इसको मतलब इसको अब लीची से नहीं जोड़ सकते, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये एक बीमारी का समूह है ना। जी, जी। तो जापानीज भी इन केफलाइटिस में पानी की समस्या बहुत अहम है। अच्छा, सुअर का तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो हमारा ये गोरखपुर जो यूपी में गोरखपुर के आसपास, लेकिन इन इलाकों में भी पाया जाता है। तो हर चीज़ मिल रही है आपको, जापानीज भी इनकेफ्लाइटिस भी मिल रहा है, एंटेरोवायरस भी मिल रहा है, ये लीची वाला मामला भी मिल रहा है, तो ये पूरा बंच गुच्छा है, ये गुच्छा है बीमारियों का, बहुत सारी बीमारी जिनका दिमागी बुखार से मतलब दिमागी बुखार तो एक लक्षण ही है, ज्यादा असर डाला छोटे कमजोर गरीब कुपोषित बच्चों पर। और कुल मिला के बुखार जैसे एक लक्षण होता है, आपको जुकाम में भी बुखार हो सकता है, आपको निमोनिया में भी बुखार हो सकता है, आपको कैंसर में भी बुखार हो सकता है, वैसे ही दिमागी बुखार एक मात्र लक्षण है, वो बीमारी अपने आप में बीमारी नहीं। दिमागी बुखार क्या मतलब, दिमाग में सूजन आ जाती है क्या, किस तरह से या वो हाँ तो आपको बुखार होता है जी। और आप मतलब अपने आप को बेहोशी की के आलम में मतलब बच्चा हो जाता है या अनाप शनाप कुछ बोलने लगता है या निढाल पड़ जाता है या उसको दौरे आते हैं, ये सब उसके लक्षण होते हैं। आपने पूछा भी था कि लक्षण क्या। तो जैसे एक माँ बाप है मान लीजिए, वो गरीब भी हैं पर थोड़ा सा हमें आपको देख रहे हैं या वो कुछ पढ़ रहे हैं या उन्हें कोई जाकर बताना चाहे, तो जैसे उनके बच्चों को ये तुरंत इससे लक्षण वो देखते हैं तो वो क्या करें कि जिससे कम से कम अस्पताल ले जाने तक तो बच्चा बचा रहे। नहीं तो उनको मतलब अस्पताल शीघ्र अतिशीघ्र, हमारा तो कहना है कि एक बड़ी विडंबना हम देख रहे हैं कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से बच्चे सब बच्चे मुजफ्फरपुर आ रहे हैं जी। तो वहाँ आसपास सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र जो हमारी एक होती थी और जो दावा किया जाता था वहाँ उन्हें इलाज नहीं मिल पा, वो कारगर नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं होती हैं कि भाई आपको रेफरल के लिए आप बच्चे को अपने एम्बुलेंस में बिठा के उनको भेजिए, उनके पास ये डायग्नोस्टिक जो सरल डायग्नोस्टिक्स हैं वो भी नहीं हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है, और उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है कि वो ऐसा करें, समुदाय में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं भी जुटा पाते कि वो सरकारी अस्पताल में जाएं क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है वो नहीं, आप तो अच्छा जन स्वास्थ्य अभियान से जुड़ी रही हैं, जन सुनवाइयां आपने की हैं जी हाँ। तो ये पूरा आपने जब देखा घूमा और लोगों से मिले बातचीत उनकी समस्याएं सुनी, वो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, वो लोग क्या कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए दरअसल। नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैंने जो जनसुनवाई की थी वो 2013-14 की जनसुनवाई थी और उस समय मैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की सदस्य थी, उसकी हैसियत से मैंने वो जनसुनवाई की। अभी हाल में मैं नहीं, पर ये तो एक पुरानी समस्या है, लगातार है ये सिलसिला है। मतलब मैं बिहार अभी इस दौर में नहीं गई हूँ, लेकिन मेरी बातचीत जो लोग वहाँ पे काम कार्यरत हैं अभी भी उनसे पिछले हफ्ते ही पिछले कुछ दिनों में भी बातचीत इसकी चली है। तो स्वास्थ्य के तंत्र की जो मतलब हालत है और जो हालात हैं वो तो मैं आपको उसका जिक्र मैं आपको कर ही चुकी हूँ कि तांत्रिक तौर से काफ़ी चरमराई हुई हालतें हैं और उसमें हम जो हमको जो रिफॉर्म्स करने थे वो हम मतलब इतने सालों में हम मतलब ठोस तरीके से नहीं ला पाए हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता की प्रॉब्लम है, डॉक्टरों की कैपेसिटीज़, उनकी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम है, जो सामग्री मतलब गोरखपुर में जो जैसे ऑक्सीजन की जो कमी आई थी उसका इतना बवाल हुआ था, तो उसमें तो एकदम ही तांत्रिक तौर पर मतलब उसका टेंडरिंग और उसका मतलब सप्लाई साइड इशूज़ जिसको हम कहते हैं
वही उसमें कारण थे, लेकिन जी आखिर अंततः जाके किसी उस डॉक्टर को जो उसको झेल रहा है, आखिर में उस पे ही कार्रवाई ले रहे हैं हम, जी लेकिन जो स्वास्थ्य तंत्र की जो कमजोरियां थी उस उस पे तरफ हमने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ठहराई, और उस पे कोई ठोस हमने कुछ काम को आगे नहीं बढ़ाया उसको। तो ये सब मामले हैं जो कि इस पूरे मामले के पीछे हैं, और इसमें मतलब सामुदायिक स्तर पे भी और स्वास्थ्य तंत्र के तौर पे भी बहुत ही इंटेंस मतलब काम करने की आवश्यकता है हम लोगों को। कुछ एक प्राथमिक कार्य जो हो जो हम कर सकते हो या जिसे करना चाहिए हमें या हमारी सरकार को, वो क्या आप सुझाव देंगे? सभी को मतलब सरकार जी की तो ये जिम्मेवारी है ही, मौलिक जी जिम्मेवारी उन्हीं की है, लेकिन जो समाज के बीच में काम कर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं या हम लोग जी एक्टिविस्ट हैं, तो मुझे लगता है कि एक मतलब समुदाय के साथ बातचीत रखना, क्योंकि हमारे हमारी ये ताकत नहीं है कि हम जाके स्वास्थ्य के तंत्र को ठीक कर दें, ये तो सरकार ही कर ये तो सकती है, सरकार ही करेगी। लेकिन हम लोग जो अगर समुदाय में हम लोग कार्यरत हैं तो इसकी जानकारी बढ़ाना, बातचीत रखना, सपोर्ट प्रदान करना समुदाय को, बच्चे को, पेरेंट्स को, कि कैसे वो इस पे कार्रवाई कर सकें, प्लस सरकार पे प्रेशर मतलब जी बनाते रहना बनाना। कि चीज़ों को बहाल किया जाए। तो जैसे अब गोरखपुर की भी बात आई, और ये तो मई जून में यहाँ ये शुरू हो गया, जून में तो खास तौर से बिहार में मुजफ्फरपुर, और हम देखते हैं जुलाई अगस्त में ये गोरखपुर में मार करता है जिसे आपने जी, कहा इंसेफ्लाइटिस। बारिशों के हाँ मौसम में ये जी, बहुत ज़्यादा रहती तो है। अब यहाँ भी एक आशंका हो रही है, तो उससे अगर कोई बचे तो किस तरह के कदम उठाने चाहिए किसी को भी, व्यक्ति को, समाज को, स्वास्थ्य विभाग को? मतलब एक तो है टीकाकरण हो जाना चाहिए था, क्योंकि टीका जी तब कामयाब नहीं होता जब बीमारी आपके सामने है, उसको समय चाहिए तो होता है। इंसेफ्लाइटिस के लिए टीका है। इंसेफ्लाइजिस के लिए टीका है, जो मैंने कहा कि पानी का इंतज़ाम जी ये बहुत ही मतलब अति अनिवार्य है। हमने भी जब उस समय भी जब हमने सर्वेस किए थे तो ये स्पष्ट था कि कई घर बारों में अभी भी पानी की उपलब्धता नहीं है, हालांकि साफ कुछ पानी। कार्रवाई हुई थी। जी हाँ, मतलब गहरा ट्यूबवेल जी और गहरा हैंडपम्प वगैरह जो चाहिए था उसकी उपलब्धता अभी भी नहीं थी। समुदाय के बीचों बीच जो काम मैं कह रही हूँ, जो एक जी पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन का काम होता है, ये कहीं भी उस तरीके से नहीं हुआ है। मतलब लोग आ जाके कुछ एक सरसरी तौर पे मतलब कुछ बोल जाना या लाउडस्पीकर से कुछ कह देना, उससे चीज़ें उससे नहीं बदलती होता। नहीं हैं, उससे जी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और कुपोषण की स्थितियाँ तो बहुत ही भयानक थी, भयावह, और जो बच्चे इससे बचते भी हैं, कईयों में फिर डिसेबिलिटी होती है, जी विकलांगता आ जाती है, उनके लिए कोई सेवाएं हम लोग नहीं बना के दे रहे थे। कुछ कुछ उसके बाद मतलब कुछ कुछ कदम उठाए हैं, मतलब जिला प्रशासन ने भी कुछ कदम उठाए गोरखपुर में, और जो BRD कॉलेज था उसमें भी जी कुछ कदम उठे थे, लेकिन उस समय भी 2013 की बात बता रही हूँ कि वो 100 विंग का जो 100 बेड्स का जो विंग बनना था उस समय भी तैयार बना हुआ था, जी लेकिन अब भी वो अब कार्यरत नहीं भी है। कर सोचिए कितने साल, मतलब 6 साल गुजर गए हैं। उस समय भी डॉक्टर, उसको पॉपुलेट करने के लिए डॉक्टर नहीं था, अब भी वही स्थितियाँ हैं। तो हम 6 साल में भी हम चीज़ों का सुधार, रिकमेंडेशन स्पष्ट तौर से किए गए सरकार के प्रति, एक नेशनल कमीशन मतलब रिकमेंडेशंस छोड़ के गया है, मिनिस्ट्रीज सब कोई वही चीज़ें कह रही हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो कुपोषण जो एक बात घूम फिर के वहीं आई है, गरीबी और कुपोषण। और कुपोषण जब दूर होगा, जब गरीबी भी दूर होगी, बच्चों को खान पान जी ठीक मिलेगा। पर अगर वो एक है, पर कुपोषण के लिए कुछ उस स्तर पे योजनाएं शुरू हों, जैसे आंगनवाड़ी के स्तर पर आपने देखा होगा, या मिड डे मील एक शुरू किया गया है भी, था, मतलब तो आंगनवाड़ी की जी सेवाएं वो इसमें मुख्य हैं, मिड डे मील से ज़्यादा, और उन सेवाओं में बहुत कमी भी है, और वो कमियां भी अभी भी हाल के जो शोध वो यही बताते हैं, डेटा यही बताता है हमको, आंकड़े, कि बिहार और यूपी में ही सबसे ज़्यादा कमियां हैं। अब जैसे आप देख लें हिमाचल, उड़ीसा, जी यहाँ पे जी अच्छी हैं सेवाएं, सेवाएं अच्छी लेकिन थी। यहाँ पे बिहार और यूपी में सेवाएं बहुत ही कमज़ोर हैं, और ये एकदम साफ तौर से नेशनल डेटा हमको ये बताता है, NFHS का डेटा हमको ये बता रहा है। तो कुल मिला के एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, जी गवर्नेंस, बिना इसके मतलब कुछ नहीं हो ये सकता। क्या जी है कि भाई केरला और तमिलनाडु की हालातें इतनी सुधरी हुई हैं, और हमारे मतलब सेंट्रल बेल्ट में भी, ईस्टर्न बेल्ट में भी उड़ीसा अच्छा कर पा रहा है, दूसरे राज्य अच्छा कर पा रहे हैं मतलब तुलना के तौर पे, और बिहार यूपी में नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इसमें मतलब राजनीतिक सवाल तो उठते ही उठते जी हैं बेशक कि ये जो गैर बराबरियों की स्थितियां हैं, कि लोग अपनी बात को जोरदार तरीके से रख नहीं पाते हैं,
और सरकारों को उतना उतनी चिंता नहीं है कि वो मतलब बिना उस दबाव के भी वो मतलब बेसिक अपना काम जो है वो करके दें अपने जनता के प्रति निभाएं। अंत में मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पूरा एक देख रहे हैं आप, ये बीमारी, इसके लक्षण, इसके बचाव, उसे एक समरी करके, एक छोटे तौर पर, आप एक संदेश के तौर पर क्या पूरा इसको निचोड़ के तौर पर कहना चाहेंगे? देखिए मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इसके आयाम कई हैं, ये जी एक ही चीज़ से सुधरने वाली चीज़ नहीं है। तो जब तक मतलब हम जिस तरीके से चीज़ों को समझते हैं स्वास्थ्य को, वो ये है कि जब तक गैर बराबरी और मतलब ये जो अमीर गरीब का जो फ़र्क है इस पे हम ज़ोरदार मतलब प्रभाव और प्रहार नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें तो लक्षण चिन्ह ही है। ये मतलब एक जो बर्फ़ का टीला जो समुद्र में होता है उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको कहते हैं, ये नहीं, वो जैसे पर चीज़ें आपने हैं। कहा कि अगर इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता तो उससे मध्यम वर्ग के भी बच्चे प्रभावित हो सकते थे, उनसे भी तो उससे बचा नहीं जा सकता था एकदम से, तो उतना उस नहीं, लेकिन जितनी जी मौतें गरीब तबके की होंगी जी उतनी तो कभी भी हमारी आपके घर परिवारों के बच्चे की नहीं होंगी। मतलब हमारे अभी भी मुख्य मौत का कारण बच्चों में वो डायरिया और निमोनिया ही है, लेकिन मेरे बच्चे को यदि डायरिया निमोनिया होगा तो कतई उसकी मौत नहीं होने वाली है। तो इससे हम दूर हट ही नहीं सकते हैं कि ये गैर बराबरी के मतलब बहुत ही भीषण लक्षण है। ये जो बच्चों की मौत के पीछे की जो कहानी है वो गैर बराबरी और मतलब हमारे जो क्लास डिफरेंशियल्स अभी भी जी 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 हैं ये वही है, और उसके चलते जो सारी और उपलब्धताओं की कमी और न्यूनतम मतलब सेवाओं की कमी जो निकल के आती है ये वही है। ये कोई तकनीकी या मतलब केवल ये डॉक्टर और दवा का मामला मसला ये कतई नहीं है, ये कतई नहीं। राजनीतिक चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जानकारी दी। तो साथियों, आपने देखा, बातचीत से यही निकल के आया कि बच्चे बीमार नहीं हैं, दरअसल हमारा स्वास्थ्य तंत्र, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारी सभी बीमार हैं। और जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, और साल दर साल हम सिर्फ नंबर ही गिनते रह जाएंगे कि इस साल इतने ज़्यादा हुए या इतने कम हुए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।